सड़कें खराब हैं, कूड़े का अंबार लगा हुआ है, किस तरह से पेशेंट आपके यहाँ आते हैं और क्या इससे नुकसान होता है जो सड़कें टूटी टूटी हैं, धूल भक्कड़ जो उड़ रहे हैं और कूड़े हैं। मैं डॉक्टर एस के पाठक जी टी वी के सिराजी के सेंटर 80 वाराणसी से, मैं चेस्ट स्पेशलिस्ट हूँ और हमारी ओपीडी में इधर सांस के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है और इसका मुख्य कारण जो यहाँ की सड़कें टूटी टूटी हैं, धूल का अंबार लगा हुआ है और पॉल्यूशन ट्रैफिक का भी काफ़ी ज़्यादा लोड होने के कारण सांस के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ने से मरीजों पर अतिभार होता है और साथ साथ स्वास्थ्य की हानि के साथ साथ समाज की भी हानि होती है। तो मैं यहाँ की जनता के साथ साथ यहाँ के प्रशासन से, खासकर यहाँ पर जितने भी मंत्री हैं, उनसे गुजारिश करूँगा कि जो भी सड़कें हैं उनका निर्माण शुद्ध रूप से और धूल रहित होनी चाहिए। कोशिश करें कि साफ सफाई पर विशेष ध्यान रखें, चूँकि आजकल सड़कों पर काफ़ी ज़्यादा कूड़ा लगा हुआ, अंबार लगा हुआ, जिससे ज़्यादा गंदगी फैली, जिससे निमोनिया, टीबी, अस्थमा, दमा, ब्रोंकाइटिस, ये सारी बीमारियाँ फैलती जा रही हैं। और यहाँ हमने देखा कि छोटे बच्चों से लेकर जवान बूढ़े सभी इस बीमारी से ग्रसित हो रहे हैं और अक्सर ये देखा गया है कि जो सड़क पर लोग घूमते हैं उनके फेफड़े भी लगातार कमज़ोर हो रहे हैं। और कुछ रिसर्च मैंने किया था जिसमें पता चला कि यहाँ बनारस की जो शहर में घूमने पर 5 से 6 घंटे फेफड़े की क्षमता, कार्य क्षमता जो है 20% घट जा रही है लगातार, और फिर वो रिकवर होने में 24 घंटे 48 घंटे ले रहे हैं। तो इस तरह से अगर फेफड़े की पावर घट जा रही है शहर की प्रदूषण के कारण, तो यहाँ पर खास रूप से प्रधानमंत्री से गुजारिश करूँगा, यहाँ की जनता से के साथ प्रशासन से कि सड़क का कूड़ा बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए, सड़क की चौचौती होनी चाहिए। प्राइम मिनिस्टर का एरिया है यहाँ पर, स्वच्छ साफ सफाई का विशेष है, खासकर 2 अक्टूबर आने वाला है और ये उम्मीद करेंगे कि सभी लोग सजग रहें और यहाँ पर जो भी कूड़े का अंबार है, खुद की सड़कें हैं, उनकी साफ सफाई विशेष ध्यान, विशेष तरह पूरी चमचमाती रहें, लोगों को सांस जैसी बीमारी से गंदे बीमारी से छुटकारा मिल सके।